हेलो गाइज, आपका फिर से स्वागत है विज्ञान सिंप्लीफाइड चैनल में। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। दोस्तों, आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको हर एक कॉम्पिटिशन में मिलते हैं। दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। चक्रवात में हवा किस ओर से आती है? ऊपर से, बाहर से, नीचे से, केंद्र से? दोस्तों, आपको 10 सेकंड का समय दिया गया है, जल्दी से बताओ चक्रवातें हमें हवा किस ओर से आती है। दोस्तों, इसका आंसर है बाहर से आती है। चक्रवात में हवा बाहर से आती है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के राष्ट्रपति पद के चुनाव प्रक्रिया में कौन भाग नहीं लेता है? राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद? दोस्तों, आपको 10 सेकंड का समय दिया गया है, जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि भारत के राष्ट्रपति पद के चुनाव प्रक्रिया में कौन भाग नहीं लेता है, जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। आपका टाइम स्टार्ट हुआ है। दोस्तों, इसका आंसर है विधान परिषद। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, इसका आंसर है विधान परिषद। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सरदार सरवण सिंह समिति की अनुशंसा पर भारतीय संविधान में 42वें संशोधन के तहत क्या जोड़ा गया था? मूल अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देश, तत्व, चुनाव की प्रक्रिया? दोस्तों, सरदार सरवण सिंह समिति की अनुशंसा पर भारतीय संविधान में 42वें संशोधन के तहत क्या जोड़ा गया था, जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं। आपको 10 सेकंड का टाइम दिया गया है। दोस्तों, योर टाइम स्टार्ट नाउ। दोस्तों, इसका आंसर है मौलिक कर्तव्य। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था? अमेरिका, रूस, भारत, यूगोस्लाविया? दोस्तों, मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था? अमेरिका, रूस, भारत और यूगोस्लाविया? दोस्तों, आपका समय स्टार्ट होता है, जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों, इसका आंसर है यूगोस्लाविया। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सरदार सरोवर परियोजना के साथ मुख्यतः कौन सी नदी जुड़ी हुई है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, कृष्णा? दोस्तों, सरदार सरोवर परियोजना के साथ मुख्यतः कौन सी नदी जुड़ी हुई है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, कृष्णा? जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में आंसर दें कि इसका आंसर क्या है। दोस्तों, इसका आंसर है नर्मदा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौटिल्य किसके लेखक थे? अर्थशास्त्र, लेखाशास्त्र, धर्मशास्त्र और नीतिशास्त्र? बताइए दोस्तों, कौटिल्य किसके लेखक थे?
दोस्तों इसका आंसर है अर्थशास्त्र। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत व पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण करने वाली कौन सी रेखा है? मैगिनोट, रेड क्लिफ, मैकमोहन, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपको 10 सेकंड का समय दिया गया है, जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में आंसर दें। दोस्तों इसका आंसर है ब, रेड क्लिफ रेखा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत की खोज किसने की थी? दोस्तों वास्को डी गामा, भारत अकबर, चाणक्य। दोस्तों भारत की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा, भारत अकबर व चाणक्य। दोस्तों आपका समय स्टार्ट होता है, जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि भारत की खोज किसने की थी। दोस्तों इसका आंसर है वास्को डी गामा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत सरकार का सबसे अधिक आबाद भारत का सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है? मुंबई, कोलकाता, जयपुर, दिल्ली। भारत का सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है? मुंबई, कोलकाता, जयपुर, दिल्ली। दोस्तों जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं कि भारत का सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है। दोस्तों इसका आंसर है मुंबई। बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड लिटन। दोस्तों हमें जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दे कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। दोस्तों इसका आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में।